तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला ओसी एसपी आईटी इको और बीके का पेपर पैटर्न, सारे के सारे पेपर पैटर्न के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो देखो यहाँ पे है ना, सिंपली हम लोग को सिर्फ दो से तीन चीज़ देखने के, जो कि सबसे पहले यूनिट वाइज वेटेज, मतलब कि हम लोग का चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का 7 मार्क के लिए आपको लिखना है 12 मार्क का आएगा। मतलब ये सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क वे का ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब कि उतने मार्क का आएगा आपको टोटल मार्क्स, मतलब कि उतने मार्क का लिखना है, कंपलसरी आपको उतना लिखने का है। अगर नहीं आता तो ऑप्शन वाला आप छोड़ सकते हो, मतलब ऐसा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, बिकॉज ये इतना ज़्यादा टफ नहीं, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा ये सब आपको मतलब इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव उसके मतलब कितने परसेंटेज रहेगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, इसमें से कोई भी 4 रहेंगे जैसा कि हम लोग को लास्ट ईयर था वैसा ही। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ABCD, यहाँ पे मतलब करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर, गिव वन वर्ड और फिर थ्रो अ पास, मतलब ये 4 आ सकते हैं, या फिर नीचे के 4 आ सकते हैं, बीच में से कोई भी 4 आ सकते हैं, मतलब कि इसमें से कोई भी 4 आ सकते हैं। और यहाँ पे मार्क्स चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो है मतलब कि एक क्वेश्चन का कितना मार्क होगा, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है मतलब अटेम्प्ट करना है आपको, करना ही करना है, और फिर थर्ड जो है वो ऑप्शन के साथ, मतलब कि आपको ऑप्शन के साथ जो करने का है लास्ट वाला वो है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऐसा कुछ है। यहाँ पे आप सिंपल समझ लो कि एक क्वेश्चन का 5 मार्क होगा, और एक क्वेश्चन मतलब कि करेक्ट द ऑप्शन है उसमें कुछ 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क होगा। तो मतलब कि ए जो रहेंगे उसके 5 मार्क होंगे, बी के 5 मार्क होंगे, सी के 5 मार्क होंगे और डी के 5 मार्क होंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है जो कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, 6 है उसमें से कोई भी 4 लिखने के हैं, आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क मिल जाएगा, 4 लिखोगे 8 मार्क मिल जाएगा। तो 6 लिखोगे तो 12 मार्क मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 6 में से 4 लिखना तो ही आपको 8 मार्क मिलेंगे, 12 कोई देने वाला है नहीं, खाली फकट का फालतू मत लिखना। फिर यहाँ पे उसके बाद है स्टडी द फॉलोइंग केसेस, हम लोग को पैराग्राफ दिया रहेगा उसको समझने का है, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे रहेगा उसको लिखने का है। तो यहाँ पे हम लोग को 3 रहेगा उसमें से 2 लिखने का, 1 क्वेश्चन का 3 मार्क, मतलब कि 2 क्वेश्चन का 6 मार्क हो जाता है, ऑप्शन के साथ देखेगा तो 9 मार्क। तो आपको ऑप्शन के साथ नहीं देखने का, आपको मेनली देखने का जो 6 मार्क है वो वहाँ पे फोकस करने का। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन है तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि एक आध अगर आपको नहीं आता तो दूसरा वाला कर सकते हो, ऐसा रहता है, उसके लिए ऑप्शन रहता है। फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश में 4 आएगी, 3 लिखने के, 1 क्वेश्चन का 4 मार्क, ऐसा करके 12 मार्क का आपको क्वेश्चन देगा टोटल। फिर हम लोग का रहता है ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ, तो वहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है 3 क्वेश्चन आएगी उसमें से 2 लिखने के, 1 क्वेश्चन का 4 मार्क, 8 मार्क का टोटल रहेगा। फिर जस्टिफाई में 4 क्वेश्चन आएगी, 2 लिखने के, 1 क्वेश्चन का 4 मार्क, 8 मार्क का रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के साथ मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन के साथ आप चेक कर सकते हो, आप मतलब देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग का आंसर द फॉलोइंग में 3 आएगा, 2 लिखने का, 1 क्वेश्चन का 5 मार्क, 10 मार्क का रहेगा। फिर लॉन्ग आंसर रहेगा, लॉन्ग आंसर में हम लोग का 8 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, मतलब कि ऑप्शन के साथ 2 आते हैं, तो 8 मार्क का हम लोग को लिखने के, 8 मार्क का। अगर आपको 8 मार्क पूरे चाहिए तो आपको खुद का पॉइंट वगैरह डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को यूनिट वाइज वेटेज भी दिया हुआ है कैसे आता है। तो ये था कुछ OCM का पेपर पैटर्न। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर लेते हैं SP के। तो यहाँ पे SP हम लोग खोल लेते हैं, तो यहाँ चेक कर सकते हैं SP के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट वाइज वेटेज। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहली चीज़ वही देखने के यूनिट वाइज वेटेज कितना है, क्यों करके आपको समझ में आएगा कि यूनिट वाइज क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग जाते हैं यूनिट वाइज वेटेज के अंदर। तो यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, मतलब आपको कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो यहाँ पे यूनिट लिखा है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड आप बोल सकते हो। फिर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो कैपिटल रेजिंग से रिलेटेड है, मतलब कि इन्होंने यूनिट को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक यूनिट में 2 लेसन आते हैं, फिर सेकेंड यूनिट में 3 लेसन आते हैं, थर्ड यूनिट में भी 3 लेसन आते हैं, और फिर फोर्थ यूनिट में 1 लेसन आता है, फिफ्थ यूनिट में 1 लेसन आता है, मतलब कैसे यूनिट वाइज डिवाइड कर लिया और हर एक यूनिट को एक नाम दे दिया। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ कैपिटल कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके लिए हम लोग को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा, मार्क्स रहेगा 17 और ऑप्शन के साथ 25, मतलब कि आप चेक कर सकते हो, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको एकदम ईजिली समझ में आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग का आता है जो मेन पेपर पैटर्न रहता है वो, तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ये बोर्ड का है हम लोग का। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है हम लोग का, जैसे OCM में मैंने बताया सेम चीज़ें, ज़्यादा कुछ चीज़ें मतलब कि चेंजेस नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि कोई कई जगह पे कुछ करेक्शन है। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन, 1 क्वेश्चन का 8 मार्क दिया तो 8 मार्क नहीं आता है, यहाँ पे टोटल 12 मार्क का, तो 8 मार्क का कैसे आएगा, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन देगा। और ये स्टडी द फॉलोइंग केसेस है, OCM का कैसे दिया था कि 3 मार्क का 1 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 10 की जगह 3 आएगा, खाली इतना चेंजेस है और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। और एक द अटेम्प्ट द फॉलोइंग है हम लोग का, उसमें है ना लेटर राइटिंग आएगा, मतलब कि इतना सिर्फ चेंजेस है, बाकी OCM और SP सेम है, खाली ये 2 चीज़ मतलब कि यहाँ पे तो चेंजेस नहीं है, वहाँ पे ऐसा है कि उन्होंने शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर कुछ मिस्टेक है,
और यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट द फॉलोइंग के अंदर हम लोग का लेटर राइटिंग आएगा, बस दो ये चीज़ें हम लोग को चेंज हो रही है। फिर हम लोग का इकोनॉमिक्स का आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 10 लेसन है, 10 मार्क के मतलब 10 लेसन के अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले लो। तो यहाँ पे एकदम ईजी है, आपको आप मतलब पूरा ही पढ़ना है इनडायरेक्टली, आपको आप देखो ना देखो आपको पूरा ही पढ़ना है। लेकिन ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा है कि आपको कोई हार्ड लेसन हार्ड लगता है तो आप वेटेज देख लो कि क्या को इतना है। फॉर एग्जांपल के लिए वो लेसन का बहुत ज़्यादा वेटेज है तो आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा है कि हाँ 2-3 मार्क का है तो ठीक है वो छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे इसके बाद हम लोग का आता है ये सब आपको मतलब इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट पेपर पैटर्न ही देखोगे। तो यहाँ पे यूनिट क्या बोलते हैं सेमेस्टर का भी दिया हुआ है, सेमेस्टर का नहीं हम लोग डायरेक्टली बोर्ड का ही देखने वाले। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ की हुई है कि हम लोग का है ना जो करेक्ट ऑप्शन रहते हैं मतलब कि चार ऑप्शन मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए हुए उसमें से कोई भी 4 पूछेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग को 8ों में से 8 देंगे उसमें से 4 लिखने, ऐसा नहीं। कोई भी 4 फॉर एग्जांपल के 1 2 3 4 आएगा या फिर 5 6 7 8 आएगा या फिर 2 4 6 8 आएगा मतलब कि कोई भी बीच में से 4 आएंगे। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, इकोनॉमिक टर्म, ऑड मैन आउट और फिर ऑड वर्ड मतलब कि ऑड वर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, रॉन्ग पेयर, असर्शन रीजनिंग और फिर आइडेंटिफाई द राइट पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये चीज़ें हम लोग को टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे होगी। तो यहाँ करके ऑब्जेक्टिव उसका 20 मार्क इन लोग ने ऐसा करके दिया हुआ है मतलब कि कोई भी चार रहेगा, एक क्वेश्चन का 5 मार्क जैसा कि हम लोग का OCSP में था वैसे ही। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 3 लिखने के, एक क्वेश्चन का 2 मार्क ऐसे करके 6 मार्क रहेगी। ऑप्शन के साथ 10 मार्क आप यहाँ पे साइड में चेक कर सकते हो अगर ऑप्शन के साथ देखना है तो। फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश 5 आएगा उसमें से 3 लिखने गए, एक क्वेश्चन का 2 मार्क और फिर एनी 3 मतलब कि 3 लिखोगे तो 6 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर आंसर द फॉलोइंग में भी सेम चीज़ है, 5 आएगी उसमें से 3 लिखने के, लेकिन यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग के एक क्वेश्चन का 4 मार्क होगा, ऐसा करके 3 लिख दोगे तो आपके 12 मार्क मिल जाएंगे। फिर एग्री डिसएग्री आपको रीजन के साथ एकदम अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे 5 आएगी उसमें से 3 लिखने के, एक क्वेश्चन का 4 मार्क जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन थर्ड आंसर द फॉलोइंग था वैसे ही, और 12 मार्क आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग फिगर टेबल और फिर पैसेज मतलब कि ऐसा कुछ भी दिया होगा उसके अंदर हम लोग को 3 चीज़ दी होगी, तीनों दे सकते हैं हम लोग को, टेबल भी दे सकते हैं, फिगर भी दे सकते हैं, पैसेज भी दे सकते हैं और हम लोग को आंसर द फॉलोइंग देने के, तीनों दिए रहेंगे ये कंफर्म नहीं है। ऐसा हो सकता है 2-3 टेबल दे दिए हो, तीनों टेबल दिए हो या फिर 2 टेबल दिए हो, एक फिगर दिए हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का 4 मार्क आएगा और फिर टोटल 8 मार्क, फिर डिटेल 8 मार्क का आएगा। तो यहाँ पे 8 मार्क का आएगा तो 2 आपको क्या बोलते हैं 2 लिखने के, एक क्वेश्चन का 4 मार्क मिलेगा आपको क्योंकि इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना OCA और SP में रहता है। तो ये ठीक है, फिर हम लोग का इकोनॉमिक हो गया। फिर हम लोग देखते हैं IT का क्या है, ये देखो ये रहा IT का। तो यहाँ पे IT का आप चेक कर सकते हो, ये हम लोग का यूनिट वाइज मतलब कि यूनिट वाइज नहीं टर्मिनल में कितना आएगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि 80 मार्क करेगा उसमें से 60 मार्क आपको ऑब्जेक्टिव से रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का पेपर पैटर्न पे जाते सीधा, यहाँ पे सीधा नीचे यहाँ पे पेपर पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो पेपर पैटर्न दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, थ्रू ऑफ है और MCQs है सिंगल चॉइस वाला, तो वो तीनों के लिए 10 मार्क है बराबर। फिर यहाँ पे 2 चॉइस वाला है उसके लिए 20 मार्क है, 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे 3 करेक्ट ऑप्शन के लिए 6 मार्क का है, 2 क्वेश्चन आएंगे यानी कि एक क्वेश्चन का 3 मार्क। फिर यहाँ पे मैथ द फॉलोइंग 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ में 10 मार्क का आएगा, 8 मार्क का मतलब कि होएगा कुछ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 8 मतलब कि 8 क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क का नहीं होगा। फिर यहाँ पे प्रोग्राम आपको लिखना है मतलब कि आपको पैड मतलब कि जो क्या बोलते हैं आपके जो पेपर है उसके अंदर कोड लिखना होगा, उसके आपको मिल जाएंगे 5 मार्क एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है वैसे। फिर यहाँ पे हम लोग का यूनिट वाइज वेटेज देख लेते हैं हम लोग कितना है। तो यहाँ पे हम लोग का किधर गया है यूनिट वाइज वेटेज, तो ये देखो यहाँ पे यूनिट वाइज वेटेज दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एडवांस वेब डिज़ाइनिंग का हम लोग को ऑप्शन के साथ 30 मार्क आता है और ऑप्शन के बिना मतलब कि आपको लिखना है उतना 20 मार्क का है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब कि ये चीज़ें आपको ऐसा है कि एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग का इसके बाद आता है BK का। तो BK के अंदर हम लोग को दो पेपर पैटर्न दिए जो कि एक पेपर पैटर्न है वो हम लोग का अभी के लिए, और हम लोग इसके बाद क्या बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पे भी आऊँगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग का ये देखो ये प्रोपोज क्वेश्चन मतलब कि ये आने वाला था, लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी आपने देखा रहेगा कि क्या चल रहा है, तो हम लोग को इसके वजह से ये वाला नहीं होगा फॉलो। यहाँ पे देखो यहाँ पे ओनली वाला लिखा है ना, देखो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, तो ये वाला फॉलो होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ये कि करेक्ट ऑप्शन मतलब कि इसमें से कोई भी 4 पूछे जाएंगे, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। तो यहाँ पे कोई भी 4 आपको देखा है ABCDEFGH है मतलब कि इसमें से कोई भी 4 आएगा, ऐसा नहीं कि 8 दिए रहेंगे 9 दिए रहेंगे और फिर हम लोग को उसमें से कोई 4 लिखने का अपने मर्जी के, नहीं ऐसा नहीं। और फिर यहाँ पे
क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 में मतलब ऐसा ही है कि हम लोग को कोई भी एनी वन है, फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन 2 में एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो दोनों में से कोई एक लिख दे। और फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि दोनों में से कोई एक लिखना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको डिसोल्यूशन नहीं आता या बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता तो आप दूसरा वाला कर सकते हो। फिर इशू ऑफ शेयर और फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये दोनों में से कोई आता है तो वो कर लो, अगर दोनों नहीं आते तो आपकी मतलब गलती है बोल सकते हो। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ, मतलब सिक्स्थ और सेवन्थ ऐसा है कि आपको करना ही करना है, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म, ये आपको करना ही करना है। फिर यहाँ पे हम लोग को चैप्टर वाइज भी वेटेज दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी दिए, कितने मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और कितने मार्क के प्रॉब्लम आएंगे, तो ये चीज़ आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये इतना ईजी चीज़ है कि आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर अभी हम लोग आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पे, तो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पे हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में हम लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई स्पेसिफिक दिया रहेगा, वो हम लोग को बनाने, मतलब कि ये इंटरनली रहेगा, आपको टीचर्स लोग बताएंगे कि क्या है एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे थ्रू ऑफ ऑस से यहाँ पे एक क्या बोलते हैं हम लोग को स्टेटमेंट वगैरह भी लिखना है, तो एक के लिए 2.5 मार्क मिलेंगे, दो क्वेश्चन लेंगे तो 5 मार्क मिल जाएंगे। फिर करेक्ट ऑप्शन और फिर कैलकुलेट द फॉलोइंग, मतलब कि ये चीज़ है बीके के अंदर, और फिर सिंपली हम लोग जाते हैं आईटी के अंदर, आईटी के अंदर तो प्रैक्टिकल होता है, इकोनॉमिक के अंदर भी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है वो हम लोग जाते हैं। किधर ये चेक कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे किधर है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे आपको मतलब अगर चाहिए तो आप ये डाउनलोड कर लो, तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट तो यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, तो मैंने शायद देखा तो था अभी नहीं है, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट नहीं है, तो आपको स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, मतलब कि आपको बताया जाएगा कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में क्या आएगा, तो मेरे को तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, अगर आपको मिल रहा ये रहा देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कैसा दिया हुआ है कि 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में हम लोग को सिचुएशन दी रहेगी ऐसा होगा तो क्या करोगे, 2nd क्वेश्चन में भी सेम चीज़ दी होगी, तो आपको एक्सप्रेस करना है अपना ओपिनियन कि आप क्या करोगे। फिर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑड मैन आउट और फिर कंप्लीट द कोरिलेशन और इकोनॉमिक टर्म, तो ऐसे करके 20 मार्क का है, तो 100 मार्क कैसे कैलकुलेट होते हैं वो तो आपको पता होगा, तो ये हम लोग का लास्ट ईयर था वैसे ही है। फिर यहाँ पे बीके बता दिया, ये हो गया आईटी हो गया। फिर हम लोग का एसपी के अंदर भी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है, एसपी और ओसी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन के अंदर हम लोग को केस दिया होगा, उसके अंदर हम लोग को 4 दिया होगा, 3 लिखने का है, तो यहाँ पे और एक है फाइंड ऑड मैन आउट और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कि दोनों में से एक ने कोई भी एक आएगा वही लिखने का आपको कंपलसरी। फिर यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड और रीराइट करने का है और कंप्लीट द सेंटेंस, और सिमिलरली हम लोग का ओसी के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप किधर गया ये, तो देखो यहाँ पे नहीं है वो, तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ दिया हुआ है कि हम लोग को स्टडी द फॉलोइंग केसेस आएगा और उसमें 4 आएगा उसमें से 3 लिखना, मतलब ये सेम चीज़ दिए हुए है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने उधर डाल दिया पूरा का पूरा, आप चेक कर सकते हो, एक एक करके चेक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करें।